आलू दही सब्जी बनाने के लिए मैंने सामग्री में लिया है, आलू, उबले हुए आलू, प्याज, धनिया पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले में हल्दी, धनिया, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और लास्ट में दही। सबसे पहले हम दही में मसाला मिलाएंगे। उसके बाद अच्छे से इसे फेंट लें चम्मच से। आलू को हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए आलू को बीच ऐसे कट कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्च का और इसमें नमक मिला के नमक डाल के इसे मिक्स कर ले। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू को तेल में अच्छे से फ्राई कर ले। हम आलू को निकाल लेंगे तेल से। और इसी बचे हुए तेल में हम जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा इसे पका लेंगे। और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा हो गया हमारा मसाला, तो अब इसमें हम ये दही का मिश्रण डाल देंगे। गरम चीज में दही का मिश्रण नहीं डालते क्योंकि दही फट जाती है। अब इसे हम पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके इसे हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब देखिए हमारा मसाला भून चुका है, मसालों में से तेल अलग होने लगा है, तो इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार पहले नमक डाल लें, उसके बाद पानी डाल के इसे हम कुछ देर के लिए उबलने देंगे। इससे मसाला और आलू दोनों अच्छे से पक जाएगा। देखिए उबाल आने लगा है, तो इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे। ये देखिए हमारा दही आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना लाजवाब लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी। अब इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे हम मिक्स करके अब इसे हम चावल के साथ सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चावल, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इसी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।